नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक बार फिर देखेंगे कुछ नया टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है, क्योंकि सभी एग्जाम बिहार एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सेंट्रल एसएससी हो गया सीजीएल, या फिर रेलवे में जो एग्जाम आने वाला है एएलपी, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक रीजनिंग का है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग के इतनी अच्छी तरीके से बता दिया जाए कि आगे से ये क्वेश्चन छूटे ही नहीं आपका। आपसे एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है डाइस, क्या है डाइस यानी पासा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डाइस पासा, और इसको अच्छी तरह से अगर हम समझ लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटना तो बिल्कुल समझ लीजिए कि बेकार है, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन आज हम लोग देख लेते हैं, क्या है आज का टॉपिक डाइस। डाइस को हम लोग पढ़ाएंगे, डाइस का मतलब होता है पासा। पासा हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पासा लूडो, लूडो खेलते होंगे आप लोग, लूडो में आप लोग खेलते होंगे, गोटी होता है, इस तरह से गिराया जाता है, वही है पासा। पासा को पढ़ने के पहले आपको पासा जानना चाहिए कि पासा होता क्या है। पासा नॉर्मली जो अपना पासा होता है उसमें 6 डिजिट दिया रहता है, एक उसके 6 साइड होते हैं। उसमें कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। एक पासा बनाइएगा, है ना, तो इसमें 6 साइड हो जाता है। यह है पासा आपका, और इस पासे में कितने साइड हो जाएंगे, आपको 6 साइड होते हैं। तो अगर इसमें आपको जानकारी लेना है कि इसमें होता क्या क्या है, आप इस तरह के पासा को देखते होंगे तो एक साइड कुछ लिखा हुआ रहता है, दूसरे साइड भी कुछ लिखा हुआ रहता है, तीसरे साइड भी कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो इसमें पहले आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कॉर्नर कितना होता है, फेस कितना होता है, साइड कितना होता है। तो साइड इसको में याद रखिए कि साइड अगर पूछेगा तो साइड कितना होगा, तो काउंट करिएगा, तो ये 4 साइड आगे होता है फेस में, 4 साइड पीछे होता है, ये देखिए 2 साइड इधर और 2 साइड इधर, टोटल अगर साइड की बात करेंगे तो 12 साइड होता है। साइड कितना होगा, 12। कॉर्नर की बात करेगा, कॉर्नर की बात करता है, कॉर्नर देखिए कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक पीछे 4, टोटल 8 कॉर्नर होंगे। कितने कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर इस साइड और 4 कॉर्नर इस साइड, यानी टोटल 8 कॉर्नर होंगे। फेस की बात करेगा, फेस देखिए, फेस की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, फेस की बात करेगा तो इसमें कितने फेस होंगे, तो एक फेस सामने से दिख रहा है तो उसके एक पीछे होगा 2 फेस, एक साइड इस साइड से दिख रहा है तो इसके एक पीछे फेस होगा, और एक ये दिख रहा है उसे एक नीचे फेस होगा, यानी कुल मिला के बात किया जाए तो फेस कितने होंगे, 6। ये सबसे पहले डाइस में ये समझना है कि कॉर्नर कितने होंगे, साइड कितने होंगे और फेस कितने होंगे। इस पर डिजिट कितना लिखा जाता है, तो इस पर 1 लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है और 6 लिखा जाता है, क्योंकि इसमें टोटल 6 फेस होते हैं, तो उसके फेस पर ही उसका लिखा जाता है। इस पर 1 लिख दिया जाएगा, इसको 2, इसको 3 लिख देता है, या फिर और इसी के अपोजिट में कुछ फिर लिखा जाएगा। तो इसी तरह से इसमें लिखा कितना जाता है, 1 2 3 4 5 और 6, एकदम बेसिक से समझेंगे, एकदम बेसिक से। तो सबसे पहला आ गया साइड कितने होंगे, 12 साइड, कॉर्नर कितने होंगे, 8 कॉर्नर, और फेस कितने होंगे, तो 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने लिखे जाएंगे, तो 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 4 5 और 6 नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका डाइस, और ये डाइस आप लूडो में देख चुके हैं, आप खेल चुके हैं। चलिए इस पर एक आते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे डाइस 2 तरह का होता है। डाइस कितने तरह का होता है, डाइस आपको है ना 2 तरह का डाइस आपको मिलता है। डाइस आपको 2 टाइप का, कौन कौन सा डाइस मिलता है, तो आपको डाइस 2 टाइप का मिलेगा। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड
और दूसरा होता है नॉर्मल, एक होता है स्टैंडर्डाइज और दूसरा होता है नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्डाइज अभी हम सब समझेंगे, नॉर्मल डाइस मोस्टली क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नॉर्मल डाइस से आएगा। स्टैंडर्डाइज का फिक्स है कि इसी क्वेश्चन जो आएगा वो फिक्स है, और स्टैंडर्डाइज का जो क्वेश्चन है वो फिक्स है, और नॉर्मल डाइस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो स्टैंडर्डाइज को पढ़ लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद नॉर्मल डाइस पढ़ेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है ये चेक देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस सबसे पहले समझते हैं, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो जी ये देखिए, इसके फेस होता है, फेस में अपोजिट फेस के का जोड़ अगर 7 आ जाता है, अपोजिट फेस का जोड़ 7 हो जाता है, उसमें कौन कौन सा डिजिट होता है, 1 होता है, 3 होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है, तो उसमें से अपोजिट का जोड़ अगर 7 हो जाता है तो उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर अपोजिट ओ डबल पी अपोजिट सम इक्वल टू 7, अपोजिट का सम अगर 7 हो जाता है, इसका मतलब अपोजिट का सम 7 कैसे हो सकता है, तो 1+6 इक्वल टू 7 हो सकता है, और क्या हो जा सकता है, 2+5 7 होता है, और क्या होता है तो 3+4 7 होता है। तो ऐसा ही होता है, ये अपोजिट का सम अगर 7 होता है तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ी देगा कि 6+1 ये अपोजिट वाला दिखता ही नहीं है, इसमें अपोजिट वाला दिखता ही नहीं है, इसमें तीन ही फेस दिखता है, किसी भी डाइस में आपको 3 फेस दिखेगा, कितना फेस, 3 फेस, इसका मतलब अपोजिट आपको नहीं दिखेगा। जब अपोजिट फेस नहीं दिखेगा तो अब हम कैसे समझेंगे कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल डाइस है। पहला तो ये समझे कि अपोजिट का सम अगर 7 हो जाता है तो हम उसको स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, लेकिन अपोजिट फेस तो दिखता ही नहीं है, तो हम समझें कैसे कि ये जो होगा स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। तो नहीं समझ में आ रहा है अगर तीन ही फेस है तो कैसे समझेंगे, तो इसके लिए ऐसे समझेंगे, तो इसके लिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हम लगातार, यानी है ना, लगातार आसन मतलब होता है आपका बगल वाला, तो जस्ट बगल वाला यानी दो लगातार फेस का है ना, दो फेस का सम करेंगे नॉट इक्वल टू 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 7, दो लगातार फेस को ऐड कर देंगे तो अगर 7 के बराबर आ जाएगा तो गड़बड़ है, अगर 7 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 7 के बराबर कौन आता है, आप अपोजिट का जोड़ गए 7, लेकिन अगर दो लगातार फेस को जोड़ेंगे तो 7 आ गया तो ये फिर 7 नहीं आना चाहिए, अगर 7 नहीं आया इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है। जैसे अभी हम देख रहे हैं 1+3 ऐड कर लेंगे, 1+3 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 7, यानी ये स्टैंडर्ड को शो करता है, 1+2 क्या होगा, 3 नॉट इक्वल टू 7, ये भी 7 नहीं आ रहा तो ये शो कर रहा है, 3 और 2 5, 3+2 नॉट इक्वल टू 7 है, चुचू नॉट इक्वल टू 7, तो ये किसको शो कर रहा है, स्टैंडर्ड को। यहीं पर आ जाइए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 और 6 और 5 नॉट इक्वल टू 7 हो रहा है, 6 और 4 6+4 नॉट इक्वल टू 7 हो रहा है, और 5 और 4 नॉट इक्वल टू 7 हो रहा है। तो हमको इसमें यही है कि अगर 2 को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ने के बाद अगर 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड है, अगर 7 आ जाता है तो फिर स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन किसके बारे में हम बोल रहे हैं, कि मैं बोल रहा हूं कि लगातार लोग को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, लगातार को जोड़ने के बाद 7 नहीं आता है, क्योंकि मेरा तो तीन ही फेस दिखता है, 1, 2, 3 ये दिखेगा, या 1, 2, 3 दिखेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ढूंढना है तो क्या करिएगा, लगातार 2 फेस को जोड़िए, लगातार 2 फेस को ऐड कीजिए, अगर 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस का रूल है कि अपोजिट होगा किसका, 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, और 3 का अपोजिट 4 होगा, यही होगा। स्टैंडर्ड का फिक्स है,
स्टैंडर्ड डाइस अगर होता है तो एक का अपोजिट 6, दो का अपोजिट 5, तीन का अपोजिट 4 होगा। ये आप एकदम याद कर लीजिए, एक का अपोजिट 6, दो का अपोजिट 5, तीन का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ आता है आपका 7। देखिए ये दोनों का ऐड करने का हर एक कंडीशन में 7 आता, तो याद कर लीजिए यही फिक्स है, इसमें फिक्स क्वेश्चन आता है, इसमें फिक्स क्वेश्चन आपका आता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 5, यहां पर लिखा हुआ है 4, है ना, यहां पर लिखा हुआ है 2, टू नहीं लिख सकते, 6, 1 भी लिख सकते थे, चलो 1, तो 1 लिख दिए। अब ये बताना है ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है, तो देखिए ये दोनों को जोड़ करते हैं तो 7 नहीं आ रहा है, ये दोनों को जोड़ रहे हैं 7 नहीं आ रहा है, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है, तो हम इसका मतलब कह देंगे ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। और जब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो क्या होता है कि एक के अपोजिट में 6 आता है और चार, दो के अपोजिट में आता है आपका 2, 5, और तीन के अपोजिट में आता है 4, ये फिक्स है। तो अब हमसे इसमें पूछेगा कि 5 के अपोजिट कौन होगा, तो 5 का अपोजिट कौन होगा 2, 4 का अपोजिट कौन होगा तो 3, 6 का अपोजिट कौन होगा तो 1, कुछ भी पूछेगा तो हम आंसर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस बस इतना ही है, स्टैंडर्ड डाइस को अगर आप पकड़ लिए स्टैंडर्ड डाइस है तो आप इजी से आंसर कर सकते हैं, और ये फिक्स आंसर 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, फिक्स है। अपने को पढ़ना है स्टैंडर्ड नहीं, आपका नॉर्मल डाइस। और नॉर्मल डाइस कैसा होता है पढ़ लिए, ये नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस क्या करेंगे, किसी कोई भी फिगर दिया रहेगा उसमें से किसी दो, किसी एक को जोड़ेंगे, अगर 7 आ गया जोड़ेंगे, 4, 3, 7, है ना, नॉर्मल जोड़ देंगे, 4, 3, 7, 5, 2, 7, किसी में भी अगर जोड़ने पर 7 आ जाता है तो इसका मतलब वो नॉर्मल डाइस है। क्या है वो? नॉर्मल डाइस है। जैसे नॉर्मल डाइस तो ये इसको इसको ऐड करेंगे, लगातार दो फेस का, लगातार दो फेस का जोड़ अगर 7 आता है तो वो नॉर्मल डाइस है, और लगातार दो फेस का जोड़ अगर 7 के बराबर नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो अब यहां से ये नॉर्मल डाइस हो गया, तो नॉर्मल डाइस के लिए हम लोग पकड़ पहले पहचानेंगे कि ये नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लियर हो गया, जैसे इसमें 4+ लगातार जोड़ दिए, 4+3=7 हो गया, इसका मतलब ये हो गया नॉर्मल डाइस, ये क्या हो गया नॉर्मल डाइस। तो आपको बस इतना ही पकड़ना, पहला सबसे पहले पकड़ना है कि नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो फिक्स है कि 1 का 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 4 होगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल डाइस है, स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा और इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा तरीका है, और सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। अब देखिए, अब इसमें बताइए कि ये नॉर्मल डाइस है या नहीं है, 6, 2, 8, 4, 2, यहां पर देखिए 5 और 3, 8, 4, 3, 7, है ना, 4 और 3, 7, इसमें मिल रहा है ना 7, 4 और 3, 7, 7 आ गया, ये मतलब ये नॉर्मल डाइस है। और नॉर्मल डाइस हो गया तो ये कह रहा है वन कॉमन नंबर, अगर नॉर्मल डाइस है। अब नॉर्मल डाइस में पढ़ना है तो अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है इसको, ऐसे समझिए, कर रहा है वन कॉमन नंबर इज गिवन, वन कॉमन नंबर, दो डाइस दे दिया, दोनों डाइस में आपको पूछेगा कि इसके विपरीत कौन होगा, उसके अपोजिट कौन होगा, है ना। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए करेंगे इसमें कौन कॉमन है, पहले दोनों में देखेंगे कि एक कॉमन है, दो कॉमन है, तो पहले शुरू देख लेंगे कि इसमें कौन कॉमन है, वन कॉमन नंबर, दोनों में से एक कॉमन नंबर होगा, पहले ये ढूंढना है, एक कॉमन नंबर ढूंढना है, क्या एक कॉमन नंबर है, 2 इसमें है क्या, नहीं, 6 इसमें है क्या, नहीं, 4 इसमें है क्या, हाँ 4 हो गया, 4 कॉमन। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि कॉमन नंबर,
सबसे पहले ढूंढेंगे कि दोनों डाइस में कोई कॉमन है क्या, है। तो अब जैसे ही कॉमन पता चलेगा तो उसके बाद उसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के हिसाब से। चार है ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले सबसे पहला ढूंढना है कि दो फिगर है, दोनों में से आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढ लिए कहानी सोल्व हो जाएगा। कॉमन ढूंढ लिए कॉमन को कैसे लिखते हैं? कॉमन को पहले लिखेंगे क्लॉकवाइज। जैसे चार लिख दिए, चार के बाद क्लॉक में कौन आता है? टू। और उसके बाद लिखेंगे सिक्स, एकदम आराम से लिखेंगे फोर टू सिक्स लिखिए। इसका फिगर इसका लिख दिए। सेकेंड वाला का इसके में भी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। क्लॉक में कैसे होता है? 4 3 5। तो कैसे लिखेंगे? 4 3 5। क्या लिख दिए? 4 3 5। अब देखिए 6 के साथ कौन आया? 5। 2 के साथ कौन आया? 2 के साथ कौन आया? 3। और 4 के साथ कौन आया? 4। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 4 का 2 यहां पर जो लिखा है ये है अपोजिट, ओ डबल पी। ये क्या लिखा गया? अपोजिट। इसको कहने का मतलब हुआ कि 6 का अपोजिट 5 होगा, 2 का अपोजिट 3 होगा और 4 का अपोजिट 4। तो 4 का अपोजिट 4 नहीं होता, 4 तो खुद का है। तो जो बच गया, इसमें बच कौन गया है? इसमें 1 बच गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 4 का अपोजिट जो होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। तो अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 4 का अपोजिट 1 मिल गया है ना, पहले यहां से लिख लीजिए। 2 का अपोजिट कौन मिल गया? 2 का अपोजिट 3 मिल गया, 6 का अपोजिट 5 मिल गया। अब देखिए टोटल 6 डिजिट ही होता है, उसमें से टोटल 6 डिजिट होता है, उसमें से 2 का अपोजिट 3 मिल गया, 6 का अपोजिट 5 मिल गया, बच कितना गया है? 1। तो सिर्फ 1 बच गया, तो ये 4 का अपोजिट जो दिया, जो कॉमन नंबर है उसके अलावा का अपोजिट जो होगा, जो बच गया नंबर वो होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये है आपका नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस में अगर फिर से बता रहे हैं, अगर एक दो डाइस दिया हुआ है तो उसमें से सबसे पहले कॉमन डाइस को देखें, कॉमन नंबर कहाँ है डाइस का। तो देखिए यहाँ पर दिखा फोर है तो इसको सही तरीके से लिखते हैं कैसे? क्लॉकवाइज में। तो 4 का 4 लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, तो 4 2 6 लिख दीजिए। दूसरा का लिखेंगे 4 3 5 4 3 5। तो 6 के सामने जो आया वो उसका अपोजिट, 2 के सामने जो आया उसका अपोजिट, और 4 के सामने जो 4 आ ही आया लेकिन उसको अपोजिट लिखना है। तो जो शेष नंबर एक बच जाएगा वही होगा। और फिक्स है इसमें कितना नंबर होता है, इसमें मात्र 6 ही डिजिट होते हैं। तो यही है आपको दो डिजिट का। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, और ये जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, नीचे गए पासे में दो स्थितियों की दिखाई दी गई है। नीचे दिए गए पासों में आपको दो स्थिति दिखाया गया है, और पहला एफ वाला फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है। देखिए एफ के आसन पूछा है, अब एफ का आसन पूछा है इसका मतलब है एफ का बगल वाला पूछा है। हम एफ का अपोजिट निकाल लेंगे, एफ का बगल वाला भी निकल जाएगा, सारा निकाल सकते हैं ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखिए इन सभी चीजों में कॉमन कौन सा है, इनमें पहले दो साइड दिया हुआ है और दो F का अपोजिट 9 है, तो F के बगल में 9 हो सकता है, नहीं ना? F के बगल में 9 नहीं हो सकता, मतलब ये नंबर, ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि F के बगल में 9 हो ही नहीं सकता है, तो ये 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन देखिए गलत है। तो F के बगल में 9 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 या L आपका, या तो आंसर F के बगल में या तो 8 आ, F के बगल में या तो ये कौन सा आएगा? 8 आएगा, नहीं तो L आएगा ठीक है।
तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको अगर पूछता कि एफ के अपोजिट कौन आएगा, तो एफ के अपोजिट कहने का मतलब अगर ऊपर एफ आता है तो नीचे क्या आएगा, तो नाइन आएगा, और अगर नीचे ऊपर नाइन है तो नीचे कौन सा होगा, तो एफ होगा। अपोजिट का मतलब होता है एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो बना लीजिएगा। यहां पर देखिए, अगर दो कॉमन है, सीधा यहां पर दो कॉमन है, इफ टू कॉमन नंबर आर गिवेन, अगर दो कॉमन है, दो डाइस है, दोनों डाइस में दो कॉमन नंबर गिवेन है, जैसे यहां पर देखिए क्या कॉमन है, टू और फाइव, यहां पर टू और फाइव, ये देखिए टू और फाइव कॉमन है, यहां भी टू और फाइव कॉमन है, जब दो और फाइव, दो कॉमन गिवेन दिया रहता है, जब दो डाइस में दो कॉमन नंबर मिल जाए तो बनाना और आसान है, दो और पांच कॉमन, इसमें भी दो और पांच कॉमन जो बच गया तीसरा, वो एक दूसरे को बराबर, तो थ्री का अपोजिट कौन हो जाएगा, फोर, सीधा थ्री का अपोजिट हो जाएगा फोर। इससे हम एक ही चीज निकाल सकते हैं, टू और फाइव अगर कॉमन हो गया तो जो तीसरा बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया, सिर्फ हम यही निकाल सकते हैं। तो हम इससे क्या कंक्लूजन पर निकले हैं कि थ्री का अपोजिट फोर होगा। हम ये नहीं कह पाएंगे कि टू का अपोजिट कौन सा होगा और फाइव का अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, टू का अपोजिट थ्री नहीं होगा, फोर नहीं होगा, फाइव नहीं होगा, टू का अपोजिट कौन कौन नहीं होगा, थ्री फोर और टू खुद नहीं होगा, टू फाइव ये नहीं होगा, टू का अपोजिट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो सकता है। अब इसके अलावा बच गया जाता है वन बच जाता है, और कौन सा बच जाता है, सिक्स। तो वन और सिक्स अपोजिट हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वन होगा या सिक्स होगा, लेकिन टू का अपोजिट में कौन सा होगा, वन या सिक्स। तो फाइव का अपोजिट में कौन सा होगा, तो फाइव के अपोजिट में भी वन और सिक्स में से कोई, दोनों में से कोई होगा, क्यों, तो फाइव के, क्योंकि आपका फाइव के अपोजिट में हम यहां से सिर्फ ये बता पाएंगे कि थ्री के अपोजिट में फोर होगा, और बाकी के बता ही नहीं पाएंगे। तो जब थ्री के अपोजिट में फाइव होगा तो थ्री और फोर तो फाइव के अपोजिट में आएगा ही नहीं, तो क्या क्या बच गया टू, तो टू चूंकि बगल में है तो टू भी नहीं आएगा, तो वन और सिक्स बचा है, तो वन और सिक्स में से दोनों में से कोई एक आएगा, क्लियर हुआ। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर किसी भी दो डाइस में दो नंबर दिया रहेगा, दो नंबर कॉमन दिया रहेगा, क्योंकि हमको दिखेगा तो तीन ही, एक डाइस में तीन ही फेस दिखना है, तीन फेस में से दो फेस अगर कॉमन हो गया तो तीसरा इक्वल होगा, मतलब तीसरा अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है, यही दिमाग में रखना। अगर दो नंबर अगर कॉमन मिलता है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि दिए गए दो अलग अलग आकृति, एक आकृति ये, एक आकृति ये, तो ज्ञात कीजिए पांच के विपरीत कौन होगा। पांच के विपरीत बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे एक कॉमन या दो कॉमन, अभी मैंने देखा एक कॉमन या दो कॉमन, तो एक कॉमन या दो कॉमन, यहां पर देखिए टू थ्री और यहां पर टू थ्री, दो कॉमन, क्या है, दो कॉमन, जैसे कहां पर मिल गया, दो कॉमन, टू थ्री दो कॉमन, तो क्या होगा आंसर, पांच जो बच गया वो दोनों अपोजिट होगा, पांच का अपोजिट सिक्स, आंसर ऑप्शन नंबर डी, पांच का अपोजिट सिक्स आंसर। अगर पूछता कि टू का अपोजिट कौन होगा, हम नहीं बता पाते टू का अपोजिट कौन होगा, क्यों, कि टू का अपोजिट थ्री नहीं होता, खत्म, टू का अपोजिट पांच नहीं होता, खत्म, जब पांच नहीं होता तो छह नहीं होता, ये भी खत्म है ना, तो अब ये भी खत्म है, टू भी खत्म, तो क्या बच जाता है, वन बच जाता है, और है ना, टू थ्री फोर, एक फोर बच जाता है, तो वन या फोर में से कोई एक होता टू का अपोजिट, लेकिन ये पूछा नहीं था, पूछा था पांच का अपोजिट कौन होगा, तो पांच का अपोजिट सिक्स होगा, पांच का अपोजिट सिक्स होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक मारिए, शेयर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक मारिए, एकदम थम दबाइए। चलिए एक क्वेश्चन अब आता है, कहता है नीचे के पासे में फिर से दो स्थिति दिखाई गई है और आकार सबसे ऊपर कौन सा होगा, दिल के आकार, दिल ये है, दिल बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे एक डाइस कॉमन या दो, इसमें दो कॉमन है या एक, इसमें नंबर वगैरह है नहीं, तो कॉमन कौन कौन है, देखिए इसमें स्टार कॉमन और ये कॉमन, मतलब ये दोनों कॉमन,
और इसमें ये दोनों कॉमन, तो जो बच गया वो दोनों इक्वल, यानी जीरो का अपोजिट हो जाएगा, है ना। हमको तो हार्ट बनाने भी नहीं आता है। चलो, तो पूछ दिया है कि हार्ट दिल के अपोजिट कौन होगा, तो दिल के अपोजिट जीरो। ऐसे भी जो आदमी दिल देता है वो जीरो हो जाता है, तो दिल के अपोजिट जीरो, उसका शुद्ध बुद्ध खत्म बर्बाद, तो दिल के अपोजिट जीरो, ऑप्शन नंबर सी। अगर दो ये दोनों इक्वल तो जो बच गया वो इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, हाँ कह रहा है इफ नो कॉमन नंबर, अगर देखे अब एक को कॉमन ही नहीं दिख रहा है, टेंशन, एक को कॉमन नहीं दिख रहा है, एक को नंबर कॉमन है ये नहीं है, इसके पहले दिखाए कि एक कॉमन, दूसरा में दिखाए कि, इसमें दिखाए कि एक कॉमन, है ना, पहला में एक कॉमन, दूसरा में तरह का होता है कि दो को कॉमन मिल गया तो एकदम आसान, तीसरा में कह रहा है कि एक को कॉमन ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो भी होगा, टेंशन नहीं लेना है, है ना। अगर एक कॉमन होगा तो भी होगा, दो कॉमन होगा तो भी होगा, एक भी कॉमन नहीं होगा तो भी होगा। चलिए कैसे होगा, तो अब कहते हैं इसमें एक को कॉमन नहीं है, तो अब एक को कॉमन नहीं, जैसे देख लीजिए चार और तीन सात से तो पता चल गया कि स्टैंडर्ड होगा या नॉर्मल, तो चार और तीन सात नॉर्मल, अब छह एक सात नॉर्मल, तो अब एक को कॉमन नहीं है, न तीन इसमें है, चार दो पांच एक, एक को कॉमन नहीं, जब कॉमन नहीं होगा तब कैसे बनाएंगे, तब हम सीधा सीधा कैसे अपोजिट होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, जब कॉमन नहीं होगा तो तीन जो होगा किसके अपोजिट, छ के, ऊपर वाला ऊपर वाला के अपोजिट, ऊपर वाला के अपोजिट, आज जो है सबसे नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला के अपोजिट, यानी दो के अपोजिट पांच, समझ गए, जो नजदीक वाला एकदम नजदीक वाला फेस नजदीक अपोजिट हो जाएगा, दो का अपोजिट पांच, और दूर वाला अपोजिट, दूर वाला अपोजिट, मतलब चार के अपोजिट एक। अब इसमें से तो कोई होता नहीं है ऐसा कि इसके अलावा और कोई नंबर, छह डिजिट नंबर ही होता है, छह नंबर होता है, तीन का अपोजिट छह, दो का अपोजिट पांच, और चार का अपोजिट एक, ये नहीं रखना है, ये रखना क्या है, ऊपर वाला का अपोजिट, दूर वाला के दूर वाला अपोजिट, और नजदीक वाला का नजदीक वाला अपोजिट, ये अपोजिट होगा, कौन सा होगा, ये नजदीक वाला का नजदीक वाला अपोजिट, ऊपर वाला का ऊपर, यानी टॉप का टॉप अपोजिट, ऊपर वाला का ऊपर अपोजिट, नजदीक वाला का नजदीक अपोजिट, चार वाला मतलब दूर वाला का दूर अपोजिट, हम ही नहीं बोल सकते नीचे वाला तो कभी दिखता नहीं है, है ना, तो ये सबसे नीचे जो पैक है वो तो दिखता नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर वाला अपोजिट, बगल वाला का बगल वाला अपोजिट, और इसका दूर वाला अपोजिट। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं तब और समझ में आएगा। चलिए लिख, इसमें कोई कॉमन है क्या, करा दिए गए ब्लॉक में 10 सबसे नीचे है तो कौन सा संख्या उसके ऊपर होगा, यानी 10 के अपोजिट कौन सा संख्या होगा, अब बताइए 2 10 4 6 12 8, क्या ये डाइस का है, पहले तो ये डाइस में अलग अलग नंबर दे दिया है और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो हम क्या बोले, ऊपर वाला अपोजिट, बगल वाला का बगल वाला अपोजिट, दू का दूर वाला अपोजिट, मतलब 10 का अपोजिट कौन होगा 12, 4 का अपोजिट कौन होगा 6, और 2 का अपोजिट कौन होगा 8, आंसर 10 का अपोजिट 12, ऑप्शन नंबर डी बी, 10 का अपोजिट, 10 का अपोजिट कौन सा पूछ दिया, 10 का अपोजिट 12, आंसर ऐसे ही बनाना एकदम सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन कर रहा, इंद्रधनुष को देखिए घन की स्थिति में नीचे दिखाया गया, इंद्र में कौन सा रंग छूट गया है, अच्छा कौन सा रंग है, इसमें ये डाइस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये अलग अलग, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, तो पूछ रहा है डाइस में इसमें कौन सा रंग छूट गया है, तो बैजानी पिनाला में जो है वायोलेट में, यहाँ पर देखिए आई वी आर ओ सिक्स कलर दिया हुआ है, जो कि सारा का सारा आई से है ना, येल्लो भी है, देखिए वाई येल्लो है, ग्रीन है, जी से ग्रीन है, लेकिन वायोलेट नहीं है कहीं भी, तो यहाँ पर वायोलेट, ये सिंपल ऐसे ही फालतू टाइप का क्वेश्चन आ गया था, ये वायलेट कलर है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं, तो अगर गिभीर नहीं दिया रहेगा तो और आसान है, अगर मतलब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो और इजी हो जाता है, क्या इजी हो जाता है, ऊपर वाला को ऊपर वाला, नीचे वाला को
मतलब नजदीक वाला नजदीक के अपोजिट, ऊपर वाला का अपोजिट, और दूर वाला दूर के अपोजिट। तीसरा टाइप का आता है कि इफ थ्री डाइस आर गिवेन, तीन डाइस दे दिया है तब, ए भाई तीन डाइस दे दिया तो दू गो के देखेंगे, अब ई दोनों में देखेंगे या तो ई दोनों में देखेंगे ना तो ई दोनों में देखेंगे, देखेंगे कि कुछ तो कॉमन है। कॉमन में क्या, पहले हमारा काम है कि कॉमन देखना, कॉमन में क्या देखना, एक कॉमन हो रहा है कि दो कॉमन हो रहा है। अगर एक कॉमन हो रहा है तो फिर एक का तरीका, दो कॉमन हो रहा है तो और अच्छा है। तो पहले देखिए ये दोनों में मिलाइए तो ये दोनों में कौन कॉमन है, ये दोनों में तीन कॉमन है, ये दोनों में तीन कॉमन है, अच्छा इसमें और कोई कॉमन नहीं, ये दोनों में क्या कॉमन है जी, ये दोनों में पांच कॉमन है। तो देखिए अब ये दो कॉमन वाला है ही नहीं, इसमें एक कॉमन वाला है तो एक ही कॉमन है, जब एक कॉमन रहता है तो हम इसी से, अब चूंकि दो डाइस है, ध्यान देना है एकदम दिमाग को स्थिर रखना, एक अगर दो डाइस है और दोनों डाइस में अगर डिजिट लिखाता है तो 1 to 6 तक ही लिखाएगा, 1 2 3 4 और तो कोई दूसरा लिखाएगा नहीं। तो अब ये दो दोनों फेस दे दिया है तो अब इसमें पूछ रहा है कि किसका कौन होगा, तो अगर ये दोनों से आते हैं तो तीन है, तो तीन का क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो तीन का क्लॉकवाइज लिखेंगे 3 2 1, इसका लिखेंगे 3 4 5, देखिएगा 3 4 5। अब बताइए कि तीन के तीन यानी इसका अपोजिट ई मिल गया, एक का अपोजिट 5 मिल गया, एक का अपोजिट 5, दो का अपोजिट 4, अब जो बच गया, बच कौन गया 6, तो तीन का अपोजिट कौन बचा हो जाएगा 6। आपसे पूछेगा तो सारा तो क्लियर ही कर दिए कि तीन का अपोजिट 6 हो गया जी, दो का अपोजिट 4 हो गया और एक का अपोजिट 5 मिल गया। अब बताइए हमको इस डाइस का यूज हुआ नहीं, तो इस डाइस का भी आंसर अगर पूछेगा तो इसी तरीके से हम कर लेंगे। अब हम सारा जान ही गए तो इसका यूज हो ही नहीं रहा तो रहने देंगे, अगर उसका यूज होता तो फिर अगर ये दोनों से करते, पांच पांच से करते तो फिर इससे भी बनता। तो दोनों में से जो डाइस, अब चूंकि हम रूल जानते हैं तो दोनों में से जो दिया रहेगा हम उसका यूज करके निकाल लेंगे। जैसे ये दोनों में से दो, ये तीन में से दो का यूज किए और इसी से हमारा आंसर आ रहा है तो फिर हम आगे आगे क्यों देखे। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि तो बता दीजिए कौन सा अंक होगा तीन के अपोजिट, तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों में कौन सा शामिल है। तो ये दोनों में देखिए इसमें दो है तीन है, इसमें तीन तीन है, ये दोनों में कौन सा शामिल है, इसमें भी तीन तीन है, ये भी देखना है दो कॉमन तो नहीं ना है, तो इसमें दो कॉमन नहीं है, चलिए इसमें भी दो कॉमन नहीं, इसमें भी दो कॉमन नहीं, मतलब सभी में एक ही कॉमन है। तो सबसे पहले इसी से आते हैं ऐसे, मतलब 3 1 2 यहां से आएंगे तो 3 है ना, क्लॉकवाइज 3 5 1, अच्छा यहां पर देखिए 1 के अपोजिट 1 आ गया, 1 के 5 5 के यहां पर गलत आ गया है, तो जरा सा इसको होल्ड करते हैं, यहां पर जरा सा आपका होल्ड किया जाए, चलिए यहां पर देखिए हम लोग मिस्टेक कर गए थे, यहां पर दो, यहां पर एक कॉमन नहीं है, यहां दो कॉमन है, ये देखिए दो कॉमन है, यहां भी दो कॉमन है, हम क्या किए वहां पर एक ही कॉमन देख रहे थे, यहां पर दो कॉमन है, 1 3 और 1 3 दोनों कॉमन है, तो दो का आप यहां पर सिर्फ एक ही पता चलेगा कि दो का अपोजिट 5 है, हम लोग को एक ही चीज पता चला कि दो का अपोजिट 5 है, लेकिन इससे आंसर नहीं निकल पाया। देखिए ध्यान दिए ना कि यहां पर दो गो कॉमन था, 1 3 और 1 3 दोनों कॉमन था, तो जब दो गो कॉमन है तो इससे एक ही चीज पता चलता कि दो का अपोजिट 5 है, जो कि इससे आंसर हमारा नहीं निकल रहा। तो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों में देखेंगे, ये दोनों में तीन है क्या है, एक है क्या नहीं है, पांच है क्या नहीं है, तो अब ये दोनों से आंसर लाएंगे, है ना, तो अब ये दोनों से आंसर लाएंगे, इससे ये दोनों को किए तो आंसर नहीं आया, तो अब ये दोनों को करते हैं, तो इसमें देखिए 3 है तो 3, इसमें भी 3 है तो 3 2 4 क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं 3 2 4, क्या लिख दिए 3 2 4, आई इधर से चलेंगे तो 3 5 1, 3 5 1, अब देखिए 4 के अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, देखिए 2 का अपोजिट 5 कर चुके थे, 4 का अपोजिट 1 आ गया, बच कौन गया तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है ये, 4 है ये, 5 है, तो 6 बच गया, तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट 6,
जो बच गया वो तीन का अपोजिट में चला जाएगा, एक का चार का अपोजिट हो गया, एक दो का अपोजिट पांच हो ही गया, तो जो बच गया वो तीन के अपोजिट में चला जाएगा और तीन का अपोजिट छह, ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों देखना है कि अगर इसमें दो को कॉमन हो रहा है कि एक कॉमन हो रहा है, अगर इसमें दो कॉमन है तो देखिए दो कॉमन वाला लिए तो नहीं आंसर आया, तो अब ये दोनों को लिए तो पता चल गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल साधारण सी बात है, उसको हम लोग ऐसे सोच के बनाते हैं क्वेश्चन। हमको उम्मीद है कि आपसे डाइस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डाइस का और भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है हम करवाएंगे। चलिए पहले ये देख लेते हैं, कहता है इसके विपरीत कौन होगा, है ना, बड़ा वाला बिंदु के विपरीत कौन होगा। तो बड़ा वाला बिंदु, अब इसमें दो कॉमन है क्या, देखिए ये इसमें दो कॉमन और इसमें भी दो कॉमन, तो जब तो इसमें ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, क्या आंसर दे पाएगा ये दोनों, नहीं, क्योंकि बड़ा वाला बिंदु के इक्वल पूछ रहा है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये हो गया कि ये इक्वल इसके हो गया, आंसर नहीं है क्योंकि वो पूछ रहा है इसका। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, इसमें क्या क्या कॉमन है जी, तो इसमें देखिए इसमें भी ये दोनों कॉमन है, क्या है, ये दोनों कॉमन। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें अब ये दोनों फिगर में आते हैं, ये दोनों फिगर में आते हैं तो ये दोनों कॉमन है, तो जब ये दोनों कॉमन है तो अब क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, इसे घूमेगा, तो पहले स्टार है ना, सॉरी पॉइंट, फिर प्लस और फिर त्रिभुज, इसमें से आएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये घूमेगा ऐसे, फिर चतुर्भुज और फिर छोटा डॉट। तो बताइए ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट कौन, तो ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या इस बिंदु के अपोजिट ये हो सकता है, ऑप्शन से हटाइएगा, क्या इस बिंदु के अपोजिट में ये हो सकता है, तो नहीं, ये नहीं होगा आंसर। क्या इस बिंदु के अपोजिट में प्लस हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इस बिंदु के अपोजिट में ये हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इस बिंदु के अपोजिट में ये छोटका स्टार हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये छोटका स्टार भी नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है, तो जो इसमें से एकदम अलग है, तो ये इसमें से अलग कौन है, तो फाइव, इसमें से अलग कौन है, तो फाइव, ये बच गया तो यही हो सकता है। जब एक कॉमन रहता है और उसको लिखते हैं तो जो बचा हुआ रहता है वही ना एक होता है। अब चूंकि तो इसमें है नहीं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है कि सिक्स बोल देंगे, इसमें से जो फालतू में बचा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कह रहा है सिक्स के विपरीत कौन सा फलक है, ध्यान दीजिएगा सिक्स के विपरीत। अब यहां पर देखिए थ्री और सिक्स, यहां पर देखिए थ्री सिक्स कॉमन है और यहां भी थ्री सिक्स कॉमन है, तो मतलब हम यहां से निकाल लिया कि दो के बराबर पांच होगा, क्या मेरा आंसर आया, नहीं, फिर आया ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर फाइव है, यहां पर भी फाइव है, यहां थ्री है, यहां भी थ्री है, चलिए बहुत अच्छा बात है ना। इससे आंसर नहीं आता, अभी दोनों में चेक करेंगे, फाइव सिक्स सर नहीं, फाइव सिक्स नहीं है, फाइव और थ्री, देखिए फाइव और थ्री कॉमन, फाइव और थ्री कॉमन, तो अब क्या बच गया, सिक्स और फोर, तो हम कह सकते हैं सिक्स के अपोजिट कौन होगा, फोर, सिक्स के अपोजिट फोर, यहां पर पकड़ा गया कि सिक्स के अपोजिट कौन होगा, फोर, ऑप्शन नंबर बी, सिक्स के अपोजिट फोर। यही था आज तक का, आज का कुछ वीडियो, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है अगर इसको देख लिए तो आपका कहानी समाप्त, आप एकदम बना ही डालिएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए और इसका जो बेहतर लेवल का क्वेश्चन है वो अभी करवाएंगे। फिलहाल अगर ये इस वीडियो का रिस्पॉन्स सही रहा तो नेक्स्ट वीडियो पक्का।